द कपिल शर्मा शो के पॉपुलर कैरेक्टर चंदू चाय वाले का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंदन प्रभाकर यानी कि चंदू चाय वाले की जिंदगी का सफर कैसा रहा? आज मैं आपको बताऊंगी कि चंदन प्रभाकर की जिंदगी किन से जुड़ी है और वो कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे उन्होंने आसमान की बुलंदियों को छू लिया। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन आपको साथ के साथ मिल पाए। तो अब शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि द कपिल शर्मा शो के पॉपुलर कैरेक्टर चंदू चाय वाला क्यों इतना फेमस है। चंदू चायवाला यानी कि चंदन प्रभाकर ने अपने करियर के लिए सालों तक कड़ी मेहनत की जो आज रंग ला रही है। टीवी का सबसे मशहूर और दर्शकों का पसंदीदा शो द कपिल शर्मा शो के हर किरदार को फैंस खूब पसंद करते हैं। फिर चाहे वो बुआ का किरदार निभाने वाली भारती हो या पार्लर चलाने वाली सपना या फिर चंदू चायवाला, लेकिन हर किरदार की अपनी एक अलग ही कहानी है क्योंकि आज वो सभी लोग जिस मुकाम पर हैं वहाँ पहुँचने के लिए उन सभी लोगों ने कड़ी मेहनत की है। कुछ ऐसे ही जिंदगी के गवाह रहे हैं कपिल शर्मा शो के चंदू चाय वाले यानी चंदन प्रभाकर। चंदन की फैमिली पंजाब से है और उनका पूरा बचपन पंजाब की गलियों में ही बीता है, लेकिन उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। चंदन सिर्फ एक्टिंग में ही माहिर नहीं है बल्कि उनके पास मैकेनिकल इंजीनियर की भी डिग्री है। चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा बचपन के दोस्त हैं, यानी कि चड्डी बड्डी दोस्त हैं। दोनों ने एक साथ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से अपने करियर की शुरुआत की थी। लगभग 14 साल के लंबे संघर्ष के बाद कपिल और चंदन दोनों ने एक साथ ही जिंदगी में सफलता का स्वाद चखा। फिर चंदन की लाइफ का टर्निंग प्वाइंट रहा द कपिल शर्मा शो, जहाँ उन्होंने चंदू चाय वाला बनकर हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया और उनको मजबूर कर दिया कि वो हंस हंस कर लोटपोट हो जाएं। आज चंदन कपिल शर्मा शो के लिए एक हफ्ते के 5 से 7 लाख रुपए लेते हैं। इसके अलावा उनके पास खुद की BMW कार भी है और पंजाब में बहुत सारी प्रॉपर्टी और साथ ही मुंबई में भी उनका अपना घर है। तो चंदन प्रभाकर आज भले ही इस पोजीशन पर हो, लेकिन उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और हाँ, हमें हंसाया भी खूब है। और उसी तरीके से हम भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।